जयकारा श्री कालका महारानी का, बोल सांचे दरबार की जय। नवरात्रों की शुभ घड़ी आ चुके। नवरात्रों के इस पावन अवसर पर देश के तमाम मंदिरों में धूमधाम से अलग अलग सांस्कृतिक प्रोग्राम के आयोजन किए जा रहे हैं। मंदिर में भक्तों की लंबी लंबी लाइनें देखने को मिल रही हैं। वहीं साउथ दिल्ली स्थित मालवीय नगर में कालका माई के भक्तों ने भव्य शोभा यात्रा निकाली। इस शोभा यात्रा में हजारों की तादाद में दूर दूर से आए श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया और ढोल नगाड़ों के धुन में भक्ति में मगन होकर बहुत नाचे। मालवीय नगर में ऐसी शोभा यात्रा पहली बार निकाली गई जहां पे इतना ऐतिहासिक काम हुआ कि पूरे मालवीय नगर में माँ कालका, माँ वैष्णो, बाबा खाटू श्याम, महाकाल, इन सभी के दर्शन किए और आशीर्वाद प्राप्त करें। यह शोभा यात्रा मालवीय नगर की मार्केट से शुरू होकर पूरे मालवीय नगर में घूमी और सबके घरों के बाहर जाके और पूरे मालवीय नगर को ब्लेस किया। ऐसी शोभा यात्रा देखने लायक थी। तो सबसे पहले आपको दर्शन कराते हैं बाबा खाटू श्याम जी। बाबा खाटू श्याम जी को भगवान कृष्ण का भी कलयुगी अवतार माना जाता है। आप देख रहे हैं कितने सुंदर तरीके से बाबा जी की जोत जलाई और कितने भव्य, कितने सुंदर रूप में खाटू बाबा लग रहे हैं। लोगों ने, भक्तों ने भी खाटू बाबा का झंडा फहरा के खाटू शोभा यात्रा में खाटू बाबा का स्वागत किया। हारे का सहारा बाबा श्याम बाबा। अब माता वैष्णो का पूरा इतना सुंदर रथ सजाया गया था जिसके अंदर सारे के सारे फ्रूट से माई का पंडाल बनाया था जो कि बाद में सभी भक्तों को प्रसाद के तौर पे बांट दिए गए। आप देख सकते हैं वैष्णो देवी की तीनों पिंडियां हैं यहाँ पे, जो कि महाकाली, महालक्ष्मी और मन सरस्वती को समर्पित है। अब आपको दर्शन कराते हैं बाबा महाकाल के। महाकालेश्वर मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह मध्य प्रदेश राज्य के उज्जैन नगर में स्थित है। महाकाल की भक्ति में सब लीन थे और सब खो गए थे। डमरू की डम डम से पूरा मालवीय नगर गूंज उठा था। भाई अलग ही वाइब आ गई थी ये तो। इस यात्रा में जहाँ एक तरफ हजारों की तादाद में महिलाओं ने सेवा की, वहीं उनके पीछे सब ने, बूढ़े हों चाहे बच्चे हों, माई के जयकारे लगाए कि माई का इस पावन नवरात्र में स्वागत किया।
माँ की इस शोभा यात्रा में जगह जगह लंगर का भी प्रबंध था। जो लोगों ने नवरात्रों में रख रखे हैं उनके लिए भी खाने का अलग से व्यवस्था की गई थी। ऐसा ही नहीं कि सिर्फ हिंदुओं ने ही माता रानी की इस भव्य शोभा यात्रा का स्वागत किया और माता रानी को अपने घर बुलाया, जबकि हमारे मुस्लिम भाइयों ने भी इस भव्य शोभा यात्रा का स्वागत किया और सबको जलपान, फ्रूट्स आदि बांटे। यही तो खूबसूरती है हमारे हिंदुस्तान में। और वहीं दूसरी तरफ हमारे सिख भाइयों ने भी यहाँ पे लंगर का स्टॉल लगा रखा था, जहाँ पे सब ने आके बहुत ही अच्छे से, बहुत ही मज़े से लंगर चखा और इसी तरीके से भव्य यात्रा, हमारी शोभा यात्रा कालका माई की शोभा यात्रा का स्वागत किया। एवें नहीं घबराई दा बोल जयकारा माई दा। वह अब बारी आती है कालका माँ की। इनका मंदिर कालका जी मंदिर भारत की राजधानी शहर दिल्ली में है और कालका जी में स्थित है। कालका माई के इस पंडाल को देख के ऐसा लग रहा था कि कालका माई खुद इसमें बैठी है और साथ साथ ही यहाँ पे चल रहा था साथ में एक गायक, जो कि कालका माई के गुणगान पूरे की पूरी शोभा यात्रा में किए जा रहे थे। अब आपको दर्शन कराते हैं कालका माता की इस प्रचंड ज्योति से, जो कि दिल्ली के कालका जी में स्थित कालका मंदिर में से आई है। आप देख रहे हैं इसके अंदर सारे के सारे प्रसाद के रूप में ये फल फ्रूट रखे गए हैं, जो कि आने जाने वाले सब भक्तों को प्रसाद के रूप में बांटे जा रहे हैं। पूरा मानवीय नगर घूम के माई की शोभा यात्रा आगे की कॉर्नर मार और यहीं पे आखिरी स्टॉल के साथ माता रानी का फूलों के साथ स्वागत किया गया और सभी उन भक्तों का स्वागत किया गया माई की चुन्नी बना के और दी गई सबको माता की ब्लेसिंग्स। अब बारी थी रात होने की और इंतजार था रात को इस माई की शोभा यात्रा को देखने, जो कि रात में लाइट्स के साथ अलग ही अद्भुत लगने वाली थी। इसी के साथ मेन मार्केट पहुंचते ही मानवीय नगर की इस शोभा यात्रा पूरी हुई और मैं आशा करता हूं आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो शेयर करें सभी उन दोस्तों के साथ जिनको चाहिए माई की ब्लेसिंग्स, और आपको भी पूरी पूरी ब्लेसिंग मिली होगी इस वीडियो को देखकर। तो कालका माई की फौज करती रहेगी मौज। जय महाकाल, हैप्पी नवरात्र। आप सबको नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं।